देश भर में भीड़ का इंसाफ थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गोंडा के गांव नवाबगंज का है। पेड़ में बंधी इस महिला ने ना ही किसी के साथ मारपीट की और ना ही कोई चोरी, लेकिन शक के आधार पर इसे भीड़ तंत्र इंसाफ देने में जुट गई है। ग्रामीण बच्चा चोरी के शक में महिला को जलील करने में जुटे हुए हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीणों ने उसे पेड़ से बांध रखा है और उसके बाल नोच रहे हैं, बारी बारी से उसे पीट रहे हैं। महिला रहम की भीख मांग रही है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीज रहा। भीड़ के चंगुल से महिला तब छूटी जब पुलिस मौके पर पहुंची। आज शाम को ये सूचना आई थी कि रहली गांव जो थाना नवाबगंज में है, इसमें एक महिला को बच्चा चोर बताकर बंधक बना लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक को भेजा गया और उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 9 व्यक्ति जो घटना में शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया है और इन पे सब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कानून हाथ में लेकर भीड़ खुद इंसाफ करने लगे, इसे कहीं से जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन अफसोस कि इसके बाद भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। R9 TV के लिए गोंडा से शिवानंद मिश्रा की रिपोर्ट।